34 साल बाद सिख दंगों पर सबसे बड़ा फैसला आया। सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई। हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को दंगा भड़काने, साजिश रचने का दोषी माना। 1 नवंबर 1984 को दिल्ली कैंट के राजनगर इलाके में 5 सिखों की हत्या के मामले में सज्जन को दोषी ठहराया गया। 31 दिसंबर तक सज्जन कुमार को सरेंडर करना है। अप्रैल 2013 में निचली अदालत में सज्जन कुमार को बरी कर दिया गया। निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। सज्जन कुमार पर फैसले की आंच कमलनाथ तक भी पहुंच गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सिख जिन्हें दंगों का दोषी मानते हैं उन्हें कांग्रेस मुख्यमंत्री बनाती है। दंगों का इससे बड़ा कोई संकेत नहीं हो सकता जो कि सिंबल नहीं हो सकता जो सज्जन कुमार जी। और ये विडंबना है कि ये आया उस दिन है जिस दिन सिख समाज एक दूसरे नेता जिसको दोषी मानता है, कांग्रेस पार्टी आज भी उनको मुख्यमंत्री की शपथ दिलवा रही है। दिल्ली में दंगों पर आए फैसले से मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई। बीजेपी के अलावा सिख संगठन भी कमलनाथ को सीएम बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं। हालांकि कमलनाथ का कहना है कि वो किसी मामले में आरोपी नहीं है। ये जो राहुल जी हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। कमलनाथ जैसे जिनके ऊपर केस चल रहे हैं उनको एमपी का सीएम बना रहे हैं। ये सिखों के ऊपर जो जख्म थे उन पे नमक छिड़क रहे हैं। राजीव गांधी ने कहा था कि बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है। सज्जन कुमार, जगदीश चैटर, एचकेएल भगत, ये तीन कमलनाथ जी, ये तीन चार नेता थे इंदिरा गांधी के, जो सरेआम कत्लेआम कराया बेगुनाहों का। ये कत्लेआम हमारा क्यों करवाया गया, हमारा दोष क्या था? अगर इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ, जिन लोगों ने किया उनको सजा इन्होंने तिहाड़ जेल में 6 महीने के अंदर फांसी पे लटका दिया गया, तो इन लोगों को 34 साल तक क्यों इनको बख्शा गया? ये सवाल उठता है, इनको फांसी होनी चाहिए। सज्जन कुमार के गुनाह और कमलनाथ पर उठे सवाल ने 2019 से पहले कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। मैं बिल्कुल इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं समझता, ये पुरानी कार्रवाई है। कम से कम 20 साल से अलग अलग विभिन्न कार्रवाइयां चल रही हैं, उसमें से एक का निर्णय आज आया है। इसका कोई मतलब नहीं है कि आप उसको तुरंत आज एक राजनीतिक माहौल या राजनीतिक प्रसंग से जोड़ें। हाँ, कानूनी कार्रवाई चलनी चाहिए, चल रही है, इसके बाद अपीलें होती हैं। इससे पहले भी कई निर्णय आए हैं जिसमें लोग दोषी भी ठहराए गए हैं और दोष रहित भी पाए गए हैं। सज्जन कुमार पर आए फैसले से दंगों की सियासत फिर तेज होगी। 3 राज्यों में जीत से फ्रंट फुट पर आई कांग्रेस को पहले राफेल और अब सिख दंगों पर बड़ा झटका लगा। दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।